हाँ तो दोस्तों यहाँ पे अलंकित के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको अलंकित के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू 9% गिरकर 29 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। और रेवेन्यू यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 35% गिरकर 29 करोड़ निकल कर आया है। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर भी रेवेन्यू कंपनी का गिर रहा है और ईयरली बेसिस पर भी यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हमको गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर 61% गिरा है और ईयरली बेसिस पर यहाँ पे 54% की गिरावट हमको कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है वो है 1,40,00,000 रुपीज का। तो देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ये चीजें पहले से फैक्टर इन हो चुकी है। अब ये देखिए अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री का P/47 का है और आपको ये 29 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है। अब देखिए इसके जो रिजल्ट में हमको जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का गिरा है तो उससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर और बढ़ेगा, तो उससे प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उतना ही हो जाएगा। तो इसीलिए जो चीज़ें यहाँ पे पहले से इन्वॉल्व है मेरे ख्याल से मार्केट ने पहले से उन चीज़ों को फैक्टर इन कर रखा है। अब देखिए छोटी सी कंपनी 371 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी सी ये कंपनी है। अब ये देखिए अगर आप रेवेन्यू पे फोकस करोगे तो पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंपनी का रेवेन्यू अच्छे तरीके से हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर नहीं बढ़ रही है। और अब अगर आप अभी ये जो क्वार्टर है रिसेंट क्वार्टर यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू भी गिरा है तो वो एक देखा जाए तो यहाँ पे नेगेटिविटी ज्यादा नजर आती है एज कंपेयर टू पॉजिटिविटी। अब ये देखिए 21 करोड़ के प्रॉफिट के बाद यहाँ पे 13.98 करोड़ का प्रॉफिट, फिर वापस 13.95। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो मार्जिन परसेंटेज है वो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ पा रही है। अब ये देखिए 26.40 पे यहाँ पे अलंकित का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और अगर आप देखोगे तो अराउंड 2018 के लगभग इसने अपना 88 का हाई बनाया था। तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे ऑल टाइम हाई से तो उससे तो आपको 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो यानी कि जो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, जो यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिल रही है रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर, तो वो मेरे ख्याल से चीज़ें पहले से फैक्टर इन है कंपनी के शेयर के प्राइस के अंदर। तो अगर हम देखें तो रिजल्ट तो नेगेटिव है ही है, लेकिन क्या शेयर के प्राइस में वो चीज़ें फैक्टर इन है या नहीं, हमें वो देखना भी ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ें यहाँ पर फैक्टर इन है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए टोटली अवॉइड होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ भी है मेरे ख्याल से मेरी बिल्कुल भी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं होगी। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। अब देखिए जिस तरीके से स्टॉक यहाँ पे भागा है अभी 1-2 महीने पहले 13-14 रुपये के लगभग ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था और अभी एकदम देखा जाए तो 100% 1 महीने में भाग चुका है। तो यहाँ पे अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए यहाँ पर। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो अभी जो नेगेटिव रिजल्ट आए हैं तो जो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो इतनी बाइंग हो रही थी तो हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो, तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया हुआ है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी जैसे नेगेटिव न्यूज आती है तो वहाँ पे लोअर सर्किट लगना चालू हो जाता है। तो अगर आपको लोअर सर्किट ऐसा लगता है कि लोअर सर्किट लगने वाला है तो आप प्री मार्केट एक ऑर्डर डाल के रख सकते हो, तो उसमें अगर आपकी किस्मत रही तो आपका ऑर्डर वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको अलंकित के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।